हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज है मेरे साथ सत्यम आनंद। ये एक गेम डिजाइनर है एट 55 टेक्नोलॉजीज, इज दैट राइट? यस यस इट इज। सो ये गेम डिजाइनर है और इन्होंने मुझे रीच आउट किया था टू हैव दिस स्मॉल सेशन टू टॉक अबाउट गेम्स एंड गेम डेवलपमेंट एंड उनके करियर के बारे में। तो सत्यम, वेलकम टू द चैनल। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर। एंड आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ओवर टू यू सत्यम। थैंक यू सो मच निखिल एंड हाय ऑल। तो मेरे बारे में बताऊं तो मैंने स्टार्ट किया था कॉमिक्स से। स्टार्टिंग में जब राज कॉमिक्स की कॉमिक आती थी तो उसमें नागराज और ध्रुव जैसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स थे, तो उसमें उससे मेरा इंटरेस्ट जगा इस चीज़ को लेकर। एंड फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे ये चीज़ धीरे धीरे एनिमेशन की ओर बढ़ी एंड फिर मैंने गेम्स वगैरह खेलना स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद फिर देन आई गेट टू नो कि गेम्स हम क्रिएट भी कर सकते हैं, यूनिटी वगैरह के बारे में पता चला। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम गेम्स एंड फर्स्ट गेम वॉज बेस्ड ऑन अ सुपर हीरो मूवी कॉल्ड रावण। तो वो एक ही कीबोर्ड पे मल्टीप्लेयर बेस्ड था जो मेरे भांजे खेलते थे उस पे। उसके बाद कुछ और गेम्स ट्राई किए, देन मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया के ऊपर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट गेम था एक टाइम पे, तो उसके ऊपर घोस्ट ऑफ द पास्ट नाम से एक टाइटल बनाया जो कि itch.io पे है। यू कैन ट्राई इट आउट, आई विल शेयर द लिंक। एंड तो वो सबसे एंटिसिपेटेड गेम था। देन उसके बाद मैंने और टाइटल्स ट्राई किए एंड देन यूनिटी से स्टार्ट किया। एंड ऐसे करते करते फिर मैंने ज्वाइन किया 2022 में मैंने ग्रिटी गेम ज्वाइन किया। देन वहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई गेम डेवलपमेंट में। वहां पे मैंने रह के सीखा कि एडवर्टाइजमेंट साइट से कैसे मोनेटाइज वगैरह करते हैं एंड देन और एक्सप्लोर किया टीम के साथ। एंड देन करेंटली आई एम वर्किंग विद 55 टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम ढेर सारे मोबाइल गेम्स एंड पीसी गेम्स पे के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। फैंटास्टिक। और आपने बोला कि आपने ये जो रावण के ऊपर गेम बनाया था, प्रिंस ऑफ पर्शिया के ऊपर गेम बनाया था, सो दीज वर मोर लाइक अ पर्सनल प्रोजेक्ट, राइट? ये कहीं पे लाइक ऑफिशियली यस पब्लिक यस या फिर कैसा था उसमें? ये लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट ही है, तो ये मैंने अपने itch.io पेज पर पब्लिश करके रखी है। ये लाइक एज अ लर्निंग प्रोसेस था कि मैं कितने एरियाज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसके अराउंड था ये। और ओवरऑल डेवलपमेंट जर्नी कैसी रही, लाइक फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू अपलोडिंग द गेम ऑन itch.io? कैसा पूरा एक जर्नी रहा जहाँ पे कुछ चैलेंजेस आपने आपको फेस करने पड़े होंगे, तो कौन सी एक ऐसी एक्साइटिंग स्टोरी है? हाँ, तो चैलेंजेस के रिगार्डिंग तो सबसे पहले एसेट्स में हुई कि किस तरह से ये होगा, पर उस टाइम पे ढेर सारी चीज़ें थी। काफ़ी वीडियोस आपके भी देखे एंड काफ़ी और डेवलपर्स के भी कि हम कैसे फ्री एसेट्स यूज करके फ्रॉम जीरो टू लाइक फुली डेवलप गेम यू कैन मेक विदाउट इवन कोडिंग। तो कोडिंग में स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, तो आई हैव वॉच्ड लाइक मैनी ऑफ द ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग द बेसिक्स एंड ऑल, तो ये पता लगा। फिर यूनिटी के बारे में पता लगा एंड आई गेट टू नो अबाउट योर चैनल दैट यू आर ऑल्सो डेवलपिंग दीज स्मॉल गेम्स एंड स्टार्टेड एंड नाउ यू आर लीडिंग अ कंपनी विच आई एम मोस्ट हैप्पी दैट यू आर बिल्डिंग अ गेम मुंबई गलीज विच आई एम मोस्ट एक्साइटेड। तो इस तरह से लाइक एक्सप्लोर करते करते धीरे धीरे पता चला। एंड इसको लेके सबसे पहले दिक्कत आती थी कि बनाए कैसे, कि क्या बनाए ऐसा। देन लाइक सिंस देर आर लॉट ऑफ गेम्स, देर आर लॉट ऑफ जॉनराज अराउंड, तो मतलब ये डिफिकल्टी होती थी। देन आई थॉट कि लेट्स पिक वन थिंग एंड लेट्स स्टार्ट देयर। तो ऐसे ही बातें करते करते एक और डेवलपर मुझे मिला, शुभम बंसोड करके, तो उसने मुझे बताया कि जस्ट पिक अ गेम एंड ब्रेक इट डाउन। एंड इससे क्या होगा कि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हाउ वेल यू कैन डू एंड एक टारगेट रहेगा कि आप इस गेम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्मर मारियो था उसको ब्रेक करके मैंने स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड एडिंग थिंग्स एंड ऐड करते करते फिर वो वॉल रन वगैरह के साथ अब वो एक प्रिंस ऑफ पर्शिया का एक टाइटल बन गया जो मैंने उसमें इंटीग्रेट किया, 2D प्रिंस ऑफ पर्शिया। जब बन के तैयार हुआ आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट सिंस मैंने रावण ऑलरेडी अपलोड कर दिया था एंड देन दिस वॉज द सेकेंड अप्रोच। फिर मैंने GMT के गेम जैम ट्राई किया जो कि मोस्ट पॉपुलर गेम जैम है itch.io पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना एंड लाइक उसमें जो डेवलपर है जो होस्ट कराते हैं उन्होंने लाइक एक रैंडम से ऐसे स्टार्ट किया कि हाँ आई विल प्ले योर गेम ऑन लाइक रैंडम डेज, तो उस पर अपना सबमिशन जाके देना। एंड देन व्हेन माय गेम केम आउट ही एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग इट, दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट। लाइक आई हैव मेड दिस थिंग इवन दो इफ इट इज इफ ही इज क्रिटिसाइजिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइक आई हैव अचीव समथिंग वाला मोमेंट था वो। ये एंड देन बहुत उसके बाद तो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद लाइक ढेर सारे चैलेंजेस आए रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑल, तो वो लाइक पार्ट ऑफ द
डेवलपमेंट जर्नी था कंपनी के परस्पेक्टिव से, बट ऑन माय परस्पेक्टिव दीज आर द थिंग्स दैट लिटिल थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी अबाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, और मैं पर्सनली गेम जैम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट पास्ट हाँ मैंने भी थोड़े गेम जैम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, एंड उनमें से जो क्रिएटिविटी निकल आती है दैट इज नेक्स्ट लेवल, राइट? सो फ्रॉम अ राइट पर्सपेक्टिव ऑफ अ गेम डिजाइनर, आपका क्या रोल रहा ड्यूरिंग दैट एंटायर गेम जैम प्रोसेस, एंड आपने किस किन टाइप के लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, एंड ओवरऑल जो डिजाइन था उसमें कैसे आपने सारी चीजें मैनेज करी? सबसे पहले तो अभी तक जितने भी गेम जैम्स मैंने ज्वाइन किया मैंने सोलो ही किया है। मैंने टीम से रीच आउट करने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनलकी इनफ दैट आई डिडंट गेट एनीवन, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे। और ऐसे करते करते लाइक सोलो ही पार्टिसिपेट किया, एंड देन आइडियाज तो जैसे फर्स्ट सेकेंड आवर में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। मैंने स्टार्टेड की सबसे बेस्ट मैं किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ, आई टुक माई पर्सनल ओपिनियन कि व्हाट वुड बी मी टेकिंग द एडवांटेज। एंड गेम जैम सबसे अच्छा ये चीज करते हैं कि हम एक मार्क सेट कर देते हैं लाइक वाइल डेवलपिंग अ गेम, कि मैं अगर अपने किसी नोन टाइटल पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि अभी एक नागराज वाला एक प्रोजेक्ट है जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें ढेर सारी चीजें आ गई। एंड सिंस कॉमिक पढ़ते हुए उसके पावर्स लाइक अनलिमिटेड लेवल पे जा चुके हैं, तो अगर मैं वो बनाना चाहूँ तो आई हैव नो लिमिट। एंड देन लाइक उस पे ये चीज आती है कि मैं क्या क्या बनाऊँ। गेम जैम्स ये चीज अच्छा करते हैं कि वो आपको टाइम फ्रेम में लिमिट कर देते हैं, सो यू हैव टू बी इन द सेंस ऑफ फ्यूचर, यू हैव टू मेक समथिंग दैट फिट इन दैट फ्रेम। तो जो भी आइडिया आया उसको मैंने उसके अंदर लिमिट किया कि हाँ क्या क्या कट डाउन कर सकते हैं एंड क्या परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा उसको। देन फिर ये चैलेंज पार करने के बाद सबसे उसको बनाना, उसमें भी लाइक कौन सा अप्रोच ज्यादा अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था लास्ट लास्ट में कि बहुत सारे फीचर जो दिमाग में रहते थे वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाते थे एक्चुअली। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी भी कभी कोई फेस करता हो, क्योंकि लाइक वाइल क्रिएटिंग दीज थिंग आइडियाज आते रहते हैं आते रहते हैं, वी हैव टू स्टॉप समवेयर। तो ये चीज है। एंड देन बाकी एसेट्स वगैरह तो फ्री के यूज करके बनाते हैं, एंड जो जहाँ से मिलता है। एंड डेवलपर्स परस्पेक्टिव आई एम स्टिल लर्निंग, बट फ्रॉम अ डिजाइनर परस्पेक्टिव लाइक आई हैव ग्रोन सो मच, लाइक सबसे टीम से बात करके एंड उनके तरह से प्रॉब्लम जान के मुझे ये फीचर्स कहाँ पे कट डाउन करने हैं एंड किस तरह से गेम को हम प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं। लाइक ये चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि व्हाट वी वांट द प्लेयर्स टू एक्सपीरियंस। अगर ये चीज क्लियर रहेगा तो सारे फीचर्स, सारे डेवलपमेंट प्रोसेस, सारे जो ब्रेकडाउन प्रोसेस आते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक बार में। तो दिस इज द फंडा दैट आई टेक दैट व्हाट आई वांट द प्लेयर्स टू अचीव, व्हाट आई वांट देम टू फील थ्रू माई गेम, क्योंकि उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है लाइक व्हाइल प्लेइंग इवन अ सिंपल एंग्री बर्ड और फ्लैपी बर्ड, दे गेट समथिंग आउट, वो इवन दैट इज फ्रस्ट्रेशन और समथिंग और रिलैक्सेशन फीलिंग, दैट हेल्प्स अ लॉट। 100%। और गाइस, सत्यम के जो भी गेम्स हैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बी श्योर करें कि आप उनको चेकआउट करें। एंड सत्यम, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्जेशन, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप अपने कॉन्वर्जेशन में काफी बार इंडियन कॉमिक्स को मेंशन कर रहे हो, राइट? तो मैं कंपेयर यस करना यस चाहता राइट हूँ राइट कि बचपन से लेके अब तक कौन से इंडियन कॉमिक्स आपने पढ़े हैं, और एक कोई अगर कॉमिक आपको पिक करना हो जो आपका सबसे मनपसंदीदा है। मैं पिक करना चाहूंगा नागराज की नागद्वीप सीरीज को, क्योंकि उसमें इलस्ट्रेशन और ये काफी अच्छा है। अरे नहीं, उसके बाद भी एक सीरीज आई थी, मैं भूल गया, नागराज की आतंकवर्ता सीरीज जो है उसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन वाला पार्ट, वो सबसे औसम है। एक एक ये दो हो गया, और एक नरकनाशक सीरीज की अभी वो लोग न्यू सीरीज ला रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो कोलैबोरेट किया, उन्होंने पावर्स को रियूज करके अलग अलग डायमेंशंस में दिखाया है, वो लाइक काफी अच्छी चीज है। एंड देन लाइक ये तीन सीरीज जो है मैं लाइक ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स तो नागराज पहले से स्टार्टिंग से मेरा फेवरेट था, एंड मेरे भैया का था डोगा, एंड ही लाइक ध्रुव एज वेल, बट दोगा उनका पर्सनल फेवरेट था। तो वाइल क्रिएटिंग दीज नागराज को जब मैं बना रहा था गेम में, तो लाइक बहुत सारे कमेंट्स भी आए वीडियोस पे कि दिस लुक्स लाइक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द गेम। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मॉडल किया सबसे पहले नागराज को, तो उसमें बनाते बनाते क्या हुआ कि एग्जैक्टली मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि फीचर्स मुझे पता नहीं थे किस तरह से डालने। एंड नागराज सिंस यूजेस अ लॉट ऑफ स्नेक्स, वो स्पाइडरमैन जैसी पावर है, तो वो कैच अप नहीं कर पा रहा था। तो मैंने थोड़ा उसको चेंज किया, एंड मैंने डेविल मे क्राई उस टाइम पे मैं खेल रहा था, तो डेविल मे क्राई के राउंड मैंने उसको मोल्ड करना स्टार्ट किया।
तो उसकी भी लाइक मैं लिंक एक बार दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। वो देखने से लगता है कि इट इज एक्चुअली डेविल मे क्राई के ऊपर वो मॉड है, ऐसा लगता है देखने से। इट्स बेसिकली लाइक स्टार्ट, फिर उसके बाद ढेर सारी चीजें आ गई, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट अबैंडन तो नहीं हुआ, वो रुक गया वहीं पे। अभी फिर से उसको स्टार्ट करूंगा, प्रोबेबली रेजोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर जो कि अब आ ही गया है। ऑल दी बेस्ट टू यू फॉर दैट। एंड आपने बीच में स्पाइडरमैन भी मेंशन किया, आपको याद है, शायद आपको याद होगा बीच में इंडियन वर्जन भी आने वाला था कुछ, पवित्र प्रभाकर करके स्पाइडरमैन। हाँ हाँ ये अभी स्पाइडर वर्स में है ये चीज, ओ, पवित्र प्रभाकर। आपको कुछ पता है उसके बारे में, स्पाइडर वर्स के अंदर पवित्र प्रभाकर के बारे में? हाँ थोड़ा बहुत पता है, लाइक पीटर पार्कर के एक मॉडिफाइड वर्जन है जो मुंबई, जो कि उसके उनके रेल में मुंबैटन बोलते हैं उसको, मैनहैटन प्लस मुंबई मुंबैटन बोलते हैं, तो वहां पे रहता है। उसकी लव इंटरेस्ट रहती है गीता, गीता विश्वास, नहीं विश्वास तो शक्तिमान वाली हो गई शायद, गीता नाम से रहती है। तो और लाइक छोटी सी स्टोरी दिखाई है अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में पवित्र प्रभाकर के ऊपर, सो काफी अच्छी है, यू शुड चेक इट आउट। डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट फॉर द रिकमेंडेशन। एंड आपने इतने सारे कॉमिक्स पढ़े हैं एंड अभी आप गेम डेवलपमेंट परस्यू कर रहे हो, तो कोई ऐसी नैरेटिव लर्निंग आपने ली है कॉमिक्स से, या फिर कॉमिक्स में से ऐसा कुछ एक लर्निंग जो आप गेम डेवलपमेंट भी आपके काम आया है, जिसको इम्प्लीमेंट करते हो आप? हाँ वो स्टोरी टेलिंग का जो एंगल है, जैसे बहुत सारी मूवीज अभी मैं देखता हूँ, जैसे नॉट टू क्रिटिसाइज बट ब्रह्मास्त्र में वो शॉर्ट्स काफी और अच्छे हो सकते हैं अगर उसको एक एंगल से लिया जाए। तो कॉमिक्स हमें एक लाइक इलस्ट्रेशन का एक मेथड से हमें स्टोरी बोर्डिंग दिखाती है कि हाँ अगर इस तरह से हम अचीव करना चाहें इस चीज को, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू शो दैट थिंग। उसमें एक्शन होता है, वो बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है ड्यूरिंग द किक्स एंड फाइट्स, तो वो चीजें मैंने स्टोरी बोर्डिंग से वहां से बहुत सीखी है। एंड एक कहानी कहने का तरीका कि किस तरह से हम वो सस्पेंस बिल्ड करते हैं, तो वो लाइक ये मैं अपने डेवलपमेंट में आगे मॉडिफाई करना चाहूंगा कि स्टोरी टेलिंग फ्रॉम कॉमिक कैसे ले सकते हैं एक गेम में, ताकि एक हम जो एक्सपीरियंस बना रहे हैं गेमर्स के लिए, सिंस पहले भी हमारे पास गेम ज्यादा नहीं थे तो हम कॉमिक्स पढ़ के वो एक्साइटमेंट अचीव करते थे, बट अब सिंस हमारे पास गेम है, वी हैव अ बेटर वे टू लेट अवर प्लेयर्स गो थ्रू द नरेशन एंड एक्चुअली फील दैट व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग, वो किस टेंशन में है, वो किस चीज से गो थ्रू हो रहा है, वो पावर्स लेने के बाद किस तरह से उसका डिसीजन वो अफेक्ट करता है, तो दैट इज द बेस्ट वे थ्रू गेम दैट वी कैन लाइक मेक इट उसको और अच्छा कर सकता है। तो दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट, आई हैव लर्न एंड इसको और आगे इम्प्रूव करने का सोच रहा बढ़िया है। कोई ऐसे गेम्स आपने खेले हैं जिसमें कॉमिक बुक थीम्ड एनवायरनमेंट हो, या फिर कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड कुछ एक गेम प्ले उन्होंने बनाया हो, ऐसे कोई गेम के बारे में आप बात कर सकते हो? हूँ। हाँ एक गेम था डेडपुल के ऊपर, सो लाइक डेडपुल के कॉमिक और उसके सीरीज के ऊपर भी लाइक उन्होंने बहुत अच्छा थीम रखा था, उसका कॉमिक बुक स्टाइल एनवायरनमेंट भी था। स्पाइडरमैन के भी कुछ कुछ टाइटल्स हैं जो उसके अराउंड है, और कुछ कुछ गेम्स खेले हैं जो लाइक सेल शेडेड और ये हैं कॉमिक स्टाइल लगते हैं, बट मुझे नाम होते अच्छे से याद नहीं है। तो लाइक डेडपुल एक मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि वो काफी अच्छा है, लाइक वो काफी अंडररेटेड गेम है जिसको उस टाइम पे उतना ये नहीं मिला, बट स्टिल दैट इज द बेस्ट गेम, वो काफी कॉमिक एक्यूरेट है। मेरे साइड से भी एक रिकमेंडेशन है, मैंने अभी रिसेंटली एक गेम खेला था, व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिट फिंच। वो बहुत इट्स लाइक आप जाके एक अबैंडन्ड हाउस में हो एंड एक एक नुक एंड कॉर्नर आपको एक्सप्लोर करना है, एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर इज एक्चुअली अ पीस ऑफ अ स्टोरी रिटन बाय समवन। अभी मैं स्पॉइल नहीं करूंगा ज्यादा, बट राइट दैट राइट इज द प्रेमिस ऑफ द गेम। यू आर अलोन इनसाइड दिस एंटायर होम एंड आपको पूरा घर एक्सप्लोर करना है, आपको बैक स्टोरी जाननी है कि वो घर में एक्चुअली हुआ क्या था, एंड उसके अंदर ये पूरा एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस बट बहुत आई मजा। थिंक आई हैव हर्ड अबाउट दिस वन, ये सुना है मैंने कहीं पे, लाइक वो स्टोरी रिवील करता है एंड देन ही गो थ्रू ऑल द थिंग्स वो पास्ट में जो भी हुआ है, आई थिंक ये सुना है, आई डेफिनेटली वुड लाइक टू चेक दिस आउट। एंड गाइस, व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिट फिंच का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अमेजिंग गेम है, चेकआउट करो जरूर। एंड सत्यम, थोड़ी बात करते हैं आपकी गेम डेवलपमेंट जर्नी के स्ट्रगल्स के बारे में। ऐसे कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट्स रहे हैं आपकी जर्नी में जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे अटक गया हूँ, और आपने उन स्ट्रगलिंग मोमेंट्स से खुद को कैसे बाहर निकाला? हाँ तो एक स्ट्रगलिंग मोमेंट आया था जब मैंने फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन किया था, इज लाइक हाउ टू गेट द प्लेयर्स अटेंशन एंड ज्यादा प्लेयर्स कैसे लाएं, लाइक आई हैव मेड अ गेम, आई हैव एन आइडिया, अब उसको सही टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सिंस ग्रीडी गेम में रह के हमारे पास ये चीजें थी कि हाँ हमारे पास अच्छी इन्वेंट्री थी, हम उस पर
अचीव करना चाहते थे, बट देर वॉज ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन देर कि हम अपनी इन्वेंट्रीज यूज नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर फ्री टू यूज एनीथिंग। सो वी आर लाइक फ्रॉम द हाई टू द बेस लेवल, हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। तो हमने जनरल वे स्टार्ट किया डिस्कॉर्ड वगैरह कि हमारे प्लेयर्स की जॉनरा क्या है, तो थोड़े बहुत हमने वहाँ पे मॉडिफिकेशंस किए, हमने थोड़े एक्सपेरिमेंटेशंस किए जिससे पता लगा कि हम क्या प्लेयर्स से अचीव करा रहे हैं। ऑफिस में भी हमने लोगों को खिलाया गेम, तो उससे आइडिया लगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ट्यूटोरियल्स वगैरह हमने काफ़ी सुधारे उसके हिसाब से। तो ये लाइक गेम बनाना इज वन थिंग, एंड ऑल्सो आई हैव फेल्ट दिस थिंग एज अ डिजाइनर कि जो मैकेनिक्स हमारे दिमाग में आता है दैट इज जस्ट द प्लेयर एक्सपीरियंस पार्ट, बट एक्चुअल गेम इज हाउ द माइक्रो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, हाउ द गेम इकोनॉमी फ्लोज दैट बाइंड्स द गेम टुगेदर। मैकेनिक्स ओनली लेट्स द प्लेयर टू फील हाउ इट गोइंग, बट एक्चुअली व्हाट्स बिहाइंड द सीन जो पीछे से ये स्टोरी को बाइंड करता है वो ये माइक्रो ट्रांजेक्शन और ये इकोनॉमी रहती है। तो वो चीजें भी हमें बैलेंस करनी जरूरी होती है अगर हम एक गेम बना रहे हैं इस चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज मेरी लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी जो कि अभी कुछ उसके हिस्से में अभी भी सीख रहा हूँ। एंड एक और अलग व्यू पॉइंट होता है फ्रॉम व्हेन यू आर डेवलपिंग अ गेम एंड जब गेम लॉन्च हो जाता है, राइट? जब गेम लॉन्च हो हाँ जाता है और या फिर उसकी टेस्टिंग आप कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको पता चलता है कि हमने जिस हिसाब से गेम बनाया था, प्लेयर्स उसको प्रॉब्ली उस हिसाब से खेल नहीं रहे हैं, राइट? राइट राइट कि इसमें आपने अभी बीच में मेंशन किया था कि ट्यूटोरियल, तो आपके हिसाब से एक ट्यूटोरियल को कैसे बनाना चाहिए और ट्यूटोरियल की इम्पोर्टेंस क्या है? राइट सो ये हुआ था लेजेंड ऑफ जेल्डा के साथ। तो उनके ना गेम प्ले में कुछ ऐसे टावर्स थे जो प्लेयर्स को रीच करने होते थे, तो उसमें जब डेवलपर्स ने चेकआउट किया एंड लाइक प्ले टेस्टिंग तो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है गेम की, वो हमें मतलब हम जो सोच रहे हैं वो काफी डिफरेंट होता है कभी कभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उस हिसाब से। तो उन्हें ये पता चला कि प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली टावर्स तक नहीं जा रहे, वो साइड क्वेस्ट कर रहे हैं, साइड क्वेस्ट कंप्लीट करके टावर्स को देख रहे हैं। उस टाइम पे दो चीजें थी, एक तो टावर्स की विजिबिलिटी और दूसरी साइड क्वेस्ट का पास होना। तो ये दोनों चीजें उन्होंने एक हीट मैप से शायद कुछ स्टडी किया, तो उन्हें जो साइड क्वेस्ट के अराउंड था वो हीट मैप उनको ज्यादा लगा, तो उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मैप में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए, प्लेयर को स्टडी किया एंड देन लैंडस्केप को उस अराउंड मॉडिफाई किया कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो उसका सीन सेटअप इस तरह से रहे कि आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने दिखे। लाइक उसको पहाड़ की साइड ऐसे शेप कर दिया कि लाइक उसके एज पे वो आपको पॉइंट कर रहा है, नॉट इंटेंशनली बट इनडायरेक्टली आपको पॉइंट कर रहा है कि ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड अराउंड दैट उन्होंने प्लेस करना स्टार्ट किया जो साइड क्वेस्ट थे। उसके बाद भी जो प्लेयर्स थे वो सिंस वी नो प्लेयर्स आर अट्रैक्टेड टू लाइक वो लाइट की तरफ देख के उसके इसके तरह चले जाते हैं, देन वो चीजें फिर से स्किप होने लगी। तो उन्होंने एनिमीज को इस तरह से मॉडिफाई किया कि अगर आप उस लेवल पे जा रहे हो तो यू हैव टू फाइट हार्डर, वहां के एनिमीज ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ज्यादा अलर्ट होंगे, बट इफ यू कंप्लीट द साइड क्वेस्ट यू अचीव सम इन गेम रिवॉर्ड्स और सम स्वॉर्ड्स और समथिंग दैट गोना हेल्प यू इन आगे के प्रोग्रेशन। तो ये चीजें लाइक प्ले टेस्टिंग के थ्रू ही आई। व्हाट वी थिंक एज अ डेवलपर और अ डिजाइनर इज लिमिटेड अप टू अस ओनली। प्ले टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जहां हमें बहुत सारी चीजें प्लेयर के साइड से पता चलती है, काफी नेगेटिव भी होती है, काफी पॉजिटिव भी होती है, इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे टेकअप कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमने उसको सही से टेकअप किया, सही से अप्रोच लिया, इट कैन हैविली बिल्ड द गेम, और अगर कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो वो हमारा डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले टेस्ट। सबसे नेगेटिव कमेंट और सबसे पॉजिटिव कमेंट आपको अब तक कौन सा मिला है? सबसे नेगेटिव कमेंट तो ऐसा कुछ नहीं था, सारे मिले जुले ही रहते थे कि हाँ क्या घटिया गेम है, कुछ है नहीं, ये तो जस्ट कॉपी है इस मैकेनिक का। लाइक हम वहां पे मैंने स्टार्ट किया था एक हिल क्लाइम रेसिंग का एक रिप ऑफ था, तो उसमें हम पैसेंजर्स को पिकअप एंड ड्रॉप करते थे, तो इट वाज लाइक कि वो सिंस वो हिल्स के अराउंड था तो इट वाज एक डायरेक्ट कंपैरिजन था कि हाँ ये तो डायरेक्ट उसका कॉपी है, रिप ऑफ है, बट जो एक्सपीरियंस हम बिल्डअप करना चाहते थे वो प्लेयर्स परसीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अराउंड हमने थोड़े मोरे गेम प्ले चेंजेस किए, उस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया एंड देन लाइक सम प्लेयर्स सेड कि हाँ उस प्रोसेस में हमने काफी चीजें अपनी तरह से लगाई, जैसे
हमने लैंडस्केप उस हिसाब से लगाया, हमने सीखा कि पर्ले नॉइज वगैरह ये सब यूज करके हम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं उन चीजों को मॉडिफाई, और हमने कंट्रोल्स पे काफी मेहनत की। जो हिल क्लाइंब कंट्रोल अचीव कर रहा था हमने उसके अराउंड ही रखने के सोचा, और कुछ अपने मॉडिफिकेशंस लगाए कि हम मीन वाइल हम पैसेंजर्स को पिकअप करके स्टंट भी कर सकते हैं। सम पैसेंजर्स हु इज लाइकिंग दैट विल गिव अस मोर मनी, अरे भैया बहुत अच्छा स्टंट है ऐसे करके। तो वो हमने छोटे छोटे फीडबैक्स देने स्टार्ट किए, तो उसपे कमेंट आया था इसी चीज को लेके, उन्होंने मेंशन किया था कि हाँ इसमें छोटे छोटे इंट्रैक्शन जो है जब स्टंट करते हैं या फिर जब लैंड करते हैं या फिर जब ड्रॉप करते हैं, इन चीजों को लेके वो फीडबैक जो आता है वो प्लेयर्स को काफी अच्छा लगा। उसके कंट्रोल्स के ऊपर जब फीडबैक आया वो सुन के लाइक ऐसा आहा मोमेंट था वो, कि हाँ दिस इज वट वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एंड दैट वट केम आउट इज एक्चुअली गुड। तो वो 100% फीडबैक देना प्लेयर्स को काफी इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे फीडबैक्स। एंड आपका प्राइमरी रोल है दैट ऑफ अ गेम डिजाइनर. तो एक गेम डिजाइनर राइट का डे टू डे जॉब रोल क्या होता है? व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक इन द लाइफ ऑफ अ गेम डिजाइनर एंड व्हाट इज एसेंशियली द रोल ऑफ अ गेम डिजाइनर? सो गेम डिजाइनर्स को लाइक जब मैं जॉब रोल एक्सप्लेन करता हूँ, आई एम अ गेम डिजाइनर, तो पीपल थिंक आई एम अ सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट। सो ये काफी कंफ्यूज रोल है अभी भी, तो बहुत लोगों को लगता है। जब मैं IGDC में भी गया था तो कुछ स्टूडेंट्स थे वो स्टडी कर रहे थे गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट को, तो वहाँ पे एक मुझे ये मिला, एक स्टूडेंट मिला, उन्होंने बताया कि वो काफी अच्छा स्टोरी राइटिंग करता है। ही वॉज आस्किंग कैन आई बिकम अ गेम डिजाइनर, आई सेड यस यू कैन बिकम, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम डिजाइनर्स। एक जो नरेशन डिजाइन करता है स्टोरी किस तरह से प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेशन डिजाइन करता है, तो देर आर डिफरेंट पार्ट्स। फॉर मी करंटली आई एम होल्डिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि एक ही डिजाइनर है। ऑल डे टू डे रूटीन इज की टीम से इंटरेक्ट करना, जो भी एक न्यू आइडिया है उसको पिच करना एंड मेक श्योर कि टीम अंडरस्टैंड दैट फुल परफेक्टली। अब ये मैं कैसे करता हूँ, या तो मैं क्लियरली उसको एक्सप्लेन करता हूँ डॉक्यूमेंट करके, या फिर अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट रेफरेंस है, चाहे वो आर्टिस्ट के लिए हो कोई एग्जैक्ट गेम का, कि मुझे हाँ इस तरह का चाहिए, ये लेआउट होने चाहिए, ये बटन्स होने चाहिए, या तो उसको मॉकअप करके जस्ट एक ग्रे बॉक्सिंग करके चाहिए होता है तो वो, या फिर डेवलपर्स के साथ, तो वो दिन भर कॉल्स ही रहती है, बातें चलती रहती है कि हाँ हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लाइक ये पार्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी गेम को लेके, कि जो भी डेवलपर्स बना रहे हैं जो भी डिजाइनर्स बना रहे हैं वो आइडिया वो माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए, ताकि एक एंड पॉइंट पे जाके वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है बातें करते हुए, चीजों को एक्सप्लोर करते हुए, कभी कभी हम बैठ के गेम्स भी खेलते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं गेम डिजाइनर्स की इंडस्ट्री के अंदर, अगर छोटे छोटे कंपनीज देखें, छोटे छोटे बडिंग गेम डेवलपमेंट कंपनीज जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट मिस्टेक करते हैं कि वो गेम डिजाइनर्स को हायर भी नहीं करते. यू नो इंटरनली बस वो हाँ के अंदर ही कोई डॉक्यूमेंट बना लेंगे एंड उसी के ऊपर काम करेंगे एंड देन जब गेम काम राइट दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये क्यों नहीं चल रहा है. सो कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम डिजाइनर्स, बी इट अ स्मॉल कंपनी और अ बिग कंपनी? व्हाई आर गेम डिजाइनर्स नीडेड? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिफोर आई ज्वाइन 55। यहाँ पे ऐसे ही डिसीजन मेकिंग हो रही थी एंड आई वाज द पर्सन दैट इज नीडेड देयर, सो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट माय पोटेंशियल वाज रिकॉग्नाइज्ड। एंड पहले क्या होता था कि सिंस देखिए डेवलपर्स अलग काम करते हैं, आर्टिस्ट अलग काम करते हैं। डेवलपर्स जो हैं कुछ गेम्स खेलते भी हैं, दे लाइक सम फीचर, दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट, बट दे डोंट नो हाउ दिस गोना कम आउट, कि ये किस तरह से आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ द प्लेयर्स गोना फील इट। डेवलपर्स को लगता है कभी कभी कि आई पर्सनली ऑल्सो फील दैट कि मेरे को ये फीचर अच्छा लग रहा है, जैसे डेविल मे क्राई का वो स्नैच मैकेनिज्म जो है मैं वो डालना चाहता हूँ, बट मेरा गेम इज ऑल अबाउट से ए मारियो लाइक प्लेटफॉर्मर, तो इफ स्नैच लाइक डेविल मे क्राई इज गोना कम अप विद मारियो लाइक प्लेटफॉर्मर, इज इट गोना वर्क, इज इट व्हाट द प्लेयर इज एक्सपेक्टिंग मी टू दैट, मैं क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज की अलग अलग मैकेनिज्म हमारे तरह से कैसे इंप्लीमेंट होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी वांट टू से। तो डिजाइनर्स को ये चीज दोनों साइड से फिगर आउट करनी पड़ती है कि डेवलप क्या होगा एंड प्लेयर्स कैसे फील करेंगे उसको, क्या एक्सपीरियंस लेंगे, एंड एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बनाते बनाते वो चीज हमारे पास आइडियाज आते रहते हैं, तो वी लाइक कीप एडिंग टू इट, तो वो क्या होता है कभी कभी प्रोसेस को ब्रेक कर देता है।
समटाइम्स इट माइट भी हेल्पफुल कि हाँ हो सकता है कि हम सिंस वी आर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग, हमारे पास कुछ अच्छा आइडिया आ गया, तो दैट समटाइम्स हेल्प, बट वी हैव टू स्टिक टू अ रिजिड प्रोसेस एक्चुअली, जो कि कभी कभी मैं नहीं मेंटेन कर पाता हूँ. कभी कुछ अच्छा आइडिया आ गया तो इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, ऐसा करके वो हो जाता है इम्प्लीमेंट, दैट हैज टू बी रिजिड. गेम डिजाइनर जॉब इज बेसिकली टू लाइक बिल्ड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टीम कि हाँ ये बनना है, ऐसे करना है, एंड फॉलो अ रिजिड पाथ, और वो चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए. तो लाइक देयर इज अ सुपरविजन, वो सारी टीम से कम्युनिकेट करता है, सबको बताता है कि किस तरह से चीजें जानी है. तो लाइक आपके पास एक एक मोटिव होता है, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड वो किस तरह से बाहर आएगा, किस तरह से इम्प्रूव होगा, दैट इज द रूल ऑफ डिजाइनर. गाइज वंस अगेन सत्यम के सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर करें कि आप उनके गेम्स को चेकआउट करें, काफी इंटरेस्टिंग गेम्स बनाए हैं इन्होंने। एंड सत्यम, आपकी तरफ से एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग गेम डिजाइनर्स, उनको क्या करियर पाथ फॉलो करना चाहिए? बहुत सारे लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि हमें गेम डिजाइनर बनना है, बट क्योंकि ये रोल इतना कॉम्प्लेक्स है, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो द एंटायर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट शायद कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि गेम डिजाइनर करता क्या है, या फिर अगर उनको पता भी है कि करता क्या है तो उनको पता नहीं कि कैसे करना है। तो एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग गेम डिजाइनर्स फ्रॉम योर साइड? सो ये इसको मैं खुद के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहूंगा. मैंने कुछ ऐसा स्पेशलाइज कोर्स या ऐसा कुछ किया नहीं है, जो भी किया है मैंने बनाते बनाते, लोगों से बातचीत करते, ये करते हुए सीखा है. तो लाइक मेक अ लॉट ऑफ कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, जो भी मिले उनसे देखो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, एंड गेम डिजाइन को लाइक एक्सप्लोर करो कि कितने एरियाज है इसके, सिंस बहुत सारे हैं. नरेशन डिजाइनर है, सो यू माइट बी अ नरेशन गुड नरेशन डिजाइनर, यू माइट बी अ गुड सिस्टम डिजाइनर. तो अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, पहले सारी चीजें जानो, उनको देखो, और बहुत सारे गेम्स खेलो, लाइक चाहे वो मोबाइल गेम्स हो, चाहे वो पीसी गेम्स हो. अगर नहीं खेल पाते तो उनके वीडियोस देखो, जो स्ट्रीमर्स खेलते हैं उनको देखो, स्टडी करो, एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन द सिस्टम्स लाइक अपने आप में ही. जैसे कोई हाइपर कैजुअल हो गया, अब उसको ब्रेक डाउन करो कि उसकी इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसका ग्रोथ कैसे काम कर रहा है. इन चीजों को पेपर पे लिख के तुम ये करने की कोशिश करो कि वो जो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं वो तुम बना पा रहे हो कि नहीं. इफ यू कैन देन यू माइट बी अ गुड इकोनॉमी डिजाइनर, इफ यू कैन नॉट, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क देन यू माइट बी अ सिस्टम डिजाइनर. अगर आप नरेशन बता पा रहे हैं, नरेशन डिजाइनर. तो लाइक चीजें एक्सप्लोर करो, एंड फर्स्ट ऑफ द थिंग बहुत सारे गेम्स खेलो, क्योंकि सीखने को हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, एंड गेम जो चीजें सिखाती है. बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो हो सकता है ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हो. तो जिन गेम्स ने ये चीजें सॉल्व कर लिया है, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आप सीख सीख गए चीजें. और हाँ, बहुत सारे चैनल्स भी हैं, जैसे गेम मेकर टूल किट है जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो यू कैन चेक दैट आउट, वो काफी हेल्प किया है मेरा उसने. एंड या चीजें गेम्स खेलते रहो, एंड स्टडी करते रहो, खुद को एक्सप्लोर करो कि तुम क्या कर सकते हो, एंड देन एक चीज पिकअप करके उस पर आगे बढ़ो. ग्रेट सत्यम, आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आई एम प्रीटी श्योर हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी होगी, ये वीडियो देखा होगा, उनको काफ़ी हेल्प हुई होगी इन गेटिंग सम वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस आंसर्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर राइट, इनसाइट ऑन द एंटायर जर्नी ऑफ अ गेम डिजाइनर। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर वंडरफुल गेम्स। गाइस वंस अगेन सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, एंड सत्यम इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड थैंक टॉकिंग यू सो मच. about your journey. It was a great time with you. And any final message for the audience from your side? हाँ, लाइक फाइनल मैसेज तो यही है कि लाइक कभी भी जैसे प्रोसेस में ये होता है गेम डिजाइन करते करते कि समटाइम यू योर सेल्फ और योर टीम माइट, मतलब मोटिव जो है ना वो चला जाता है, कि जब बहुत सारे बग्स आने लगते हैं, कि जो डायरेक्शन आपको मिलता है आप वो नहीं अचीव कर पाते, टीम वो नहीं अचीव कर पाती, दैट टाइम मेक श्योर टू लाइक थोड़ा टाइम उससे डेविएट होके कुछ और करो. कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में वो हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छे से चल रही होती है, बट जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो सही से नहीं आती. जब आइडियाज आ रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे साथ होता है कि जब मैं वर्क स्टेशन पे बैठ के काम कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल भी आइडियाज नहीं आते. इट जनरली कम्स लाइक वॉन्डरिंग ऑन द नेचर और समथिंग. तो जब भी आइडियाज आ रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, राइट दैट डाउन. एंड जब भी ऐसा फील हो रहा है कि टीम में कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है या वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर प्रोवाइड गुड रेफरेंस,
एंड लाइक थोड़ा टाइम उसे डिबेट होके वापस से उस चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, दैट हेल्प्स अ लॉट, ये काफी हेल्प करता है। फैंटास्टिक गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस मिस नहीं कर पाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।